जो कुछ भी जिंदगी में कीमती है, इज्जत के लायक है, उसको अगर तुम कीमत देते हो, आदर देते हो, तो उसका तुम कोई बहुत भला नहीं कर देते, उसका कोई हित नहीं हो जाता, क्योंकि वो ऊंचा है तभी तो कीमती है, और जो पहले से ही ऊंचा है उसे हमसे क्या चाहिए। लेकिन अगर हम उसे इज्जत देते हैं, कीमत देते हैं और लगातार याद रखते हैं, तो हमारा ज़रूर भला हो जाता है। और वो जो याद रखना है, वो ऐसी चीज़ नहीं होती कि किसी खास मौके पर कर ली गई। सारी रिलीजियोसिटी, स्पिरिचुअलिटी, विजडम के केंद्र में एक बात होती है, सतत सुरते, कांस्टेंट रिमेम्ब्रेंस, लगातार याद रखना। और लगातार का मतलब है तब भी याद रखना, और तब ही ज़्यादा याद रखना जब दूसरी चीज़ें खींच रही हों, आकर्षित कर रही हों, मन कहीं और को भाग रहा है, तब याद रखना है कि क्या कीमती है। इसीलिए भारत में प्रतीकों की, रिवाजों की और रिचुअल्स की बड़ी कीमत रही है। हम अक्सर उनको ये बोल के ठुकरा देते हैं कि ये सब तो यूं ही हैं, आचरणगत बातें, इनमें कुछ रखा नहीं, उनमें ही बहुत कुछ रखा है। आप मंदिर के बगल से निकल रहे हो और आपके मन में दुनिया भर के अनशंट विचार उमड़ घुमड़ रहे हैं, जैसे कि आमतौर पे चलते रहते हैं मन में। लेकिन मंदिर को देखते ही अगर आप एक क्षण को रुके और आपने नमस्कार कर लिया मंदिर को, तो जो विचारों का पूरा बहाव है, जो पूरी श्रृंखला है, वो टूट जाती है, क्योंकि वो एक लगातार बहने वाला निरंतर प्रवाह था ना, एक कॉन्टिन्यूटी थी। तुम रुके, थमे, तुमने मंदिर की ओर देखा और तुमने हाथ जोड़ लिए, तुमने सर झुका दिया, तो जो श्रृंखला थी ख्यालों की, वो टूट गई। किसका भला हुआ, भगवान का या तुम्हारा? और तुम सोचते हुए जा रहे थे, कल मेरा क्या होगा, मेरी फलानी चीज़ें फंसी हुई हैं, उनका क्या होगा, और दुनिया भर के तुम्हारे दिमाग में ख्याल चल रहे थे। और ख्याल तो हमेशा आगे के ही होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं डर और चिंता और दुख छुपा ही होता है। और अगर तुमने अपने लिए ये एक रस्म ही बना रखी है कि मैंने रुक करके मंदिर को प्रणाम करना है, जहाँ भी दिखाई दे, बस एक क्षण के लिए ही सही, तो इसमें किसका भला कर रहे हो, भगवान का या अपना? बोलो। तो इसीलिए मौके मौके के लिए ये बातें बनाई गई हैं कि खाने से पहले निवाला तोड़ो, इससे पहले अहंकार हमेशा सर उठाता रहता है, इसीलिए अहंकार को बात बात में सर झुकाने की सलाह दी जाती है। कितने ही ऐसे मौके बना दिए गए हैं जहां तुम सर झुका सको, नमन कर सको। अहंकार हमेशा अपना स्वार्थ देखता है, अपने आप को आगे रखता है, इसीलिए ये रस्म बनाई गई है कि अपने आप को ज़रा पीछे रखो। अपने हित के लिए नहीं बोल रहा हूँ, तुम लोग बच्चे हो, तुमसे मुझे क्या मिल जाएगा, पर अगर खाने पीने की चीज़ आई है तो ये पेटू पेट और ये ज़बान क्या बोलेगी कि खाना आ गया तो सबसे पहले खा लो। इसीलिए रस्म बनाई गई है कि अगर गुरु सामने बैठा है तो पहले इंतज़ार करो कि वो पहला निवाला तोड़े। और अगर आप ये इंतज़ार भी नहीं कर सकते, तो फिर आप ज़बान के और पेट के ग़ुलाम हो। बात आ रही है समझ में? अब अगर तुमने अपने स्वार्थ को पीछे रखा, तो इसमें क्या किसी का भला हो गया, गुरु का भला हो गया क्या, अगर तुमने अपना खाना दो मिनट के लिए स्थगित कर दिया? उसको तो नहीं मिल गया ना तुम्हारा खाना, लेकिन तुम्हारे लिए रिमेम्बरेंस का एक मौका और आ गया। तुम अपने ही जिन ख्यालों में डूबे हुए थे वो टूटे, अहंकार को याद आया कि कोई उससे बड़ा है, कोई उससे ऊँचा है, झुकने का एक मौका मिला। और जितनी बार झुकोगे उतनी बार शांत होते जाओगे। तो ये सब इसीलिए बनाई गई हैं दिन प्रतिदिन में, दैनिक क्रिया में चीज़ें, ताकि तुम अपने ही आंतरिक बहाव से, जो अंतर संवाद भीतर रहता है, जो भीतर ही भीतर एक खुराफात मची रहती है ना, जो भीतर एक मायावी शैतानी दुनिया रहती है, उससे झटके से बाहर आ सको। हर आदमी
वरना तो अपनी ही दुनिया में अपने हिसाब से काम कर रहा है। और ये बातें छोटे बच्चों को खासतौर पर दिखाई जानी चाहिए। ज़रा सी एक रस्म होती है, मंदिर से बाहर निकलते हुए कहते हैं कि भगवान को पीठ मत दिखाओ, उसका अर्थ इतना ही होता है कि सत्य की ओर हमेशा मुंह रखो, पीठ नहीं करो। ऐसा नहीं है कि पीठ दिखा दोगे तो कुछ हो जाएगा, लेकिन अगर याद रखोगे तो ज़रूर कुछ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तुम्हें ये याद रहेगा कि कोई ऐसा है जिसको पीठ नहीं दिखानी है, कोई ऐसा है जिसके सामने हमेशा चेहरा रहे, हमेशा उसकी ओर देखते रहे, क्योंकि उसकी ओर अगर पीठ कर ली तो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा पर हमारा जीवन दुख से भर जाएगा। ये ऐसी सी बात है कि जैसे कोई रोगी हो जिसे विटामिन डी की अल्पता हो और वो सूरज को पीठ कर ले, सूरज का क्या बिगड़ गया? तुमने सूरज को पीठ दिखा दी तो, लेकिन तुम ही विटामिन डी की न्यूनता के शिकार थे, तुम्हारा बहुत कुछ बिगड़ गया। ऐसा होता है भगवान को पीठ दिखाना। पुराने जमाने में चलता था कि कोई बड़ा सामने है तो कम से कम उसको नमस्कार करो, प्रणाम करो, चरण स्पर्श करो, चलो पांव छूने की तो तुमको कला ही नहीं है, रवायत ही नहीं है, उतनी अंदर कोमलता ही नहीं है, उतना लचीलापन ही नहीं है कि तुम झुक सको। पर सुबह सुबह उठते हो तो कम से कम नमस्ते करना, प्रणाम करना तो सीखो। फिर कह रहा हूँ, कोई अपने हित के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मुझे तो 2-3 दिन के लिए मिले हो, पर अगर तुम लोग ये बातें नहीं जानते हो तो तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत दिक्कतें आ जानी है। तुम्हें ये नहीं पता है कि सुबह उठते ही किसको आगे रखना है तो तुम्हें बहुत समस्याएँ आने वाली हैं। क्योंकि याद रखो, मन हमेशा होता तो अनुगामी ही है, फॉलोअर ही है। अगर वो गुरु को नहीं सामने रखेगा, अगर वो सत्य को नहीं सामने रखेगा, तो समाज को, जमाने को, दुनिया को और दुनिया के सारे प्रलोभनों को सामने रखेगा। झुकोगे तो है ही भाई, सुबह उठते ही तुमने टीवी देखना शुरू कर दिया तो तुम झुक तो गए हो, किसके सामने झुक गए हो? अब या तो टीवी के सामने झुक लो, विज्ञापनों के सामने झुक लो, कार्टून बनाने वाले हिंसक लोगों के सामने झुक लो, या सुबह उठते ही देवमूर्ति के सामने झुक लो, किताबों के सामने झुक लो, गुरु के सामने झुक लो। झुकना तो तुम्हें है ही, इस अकड़ में मत रहना कि अगर गुरु के सामने सर नहीं झुकाएंगे तो झुके नहीं। झुके तो तुम हो ही, क्योंकि मन के अपने पांव नहीं होते, मन हमेशा तो सहारा लेके चलता ही है। सवाल यह है किसका सहारा, या तो उसका सहारा ले लो, नहीं तो फिर दुनिया में जितना लीचड़पना है तुम्हें उसका सहारा लेना पड़ेगा। सहारा तो लेना ही है। बात आ रही है समझ में? ये संस्कार ना आधुनिकता के नाम पर हमें दिए ही नहीं गए हैं, इसके विपरीत संस्कार दिए गए हैं। हमें कूलनेस सिखाई गई है, और कूलनेस ज्यादा हमें कुछ है नहीं, कूल हम है नहीं। कूलनेस तो मैं तब मानू ना कि अगर चोट लग जाए और तुम रो नहीं, उसको मैं कहता हूं कूल। कूलनेस तो मैं तब मानू ना कि अगर कहीं छिटक जाओ, बिछुड़ जाओ और तुम में डर ना उठे, तब मैं कहूंगा तुम कूल हो। तुम कूलनेस इसको मानते हो कि कोई ऊंचे से ऊंचा भी है तो जाके उसके ऊपर चढ़ गए और उसको ऐसे ट्रीट किया, उसके साथ आचरण व्यवहार ऐसा रखा जैसे कि वो तुम्हारा समकक्षी हो, जैसे वो तुम्हारे ही जैसा है। तुम कूलनेस इसको मानते हो कि जिंदगी में भगवत्ता के लिए, सेक्रेडनेस के लिए कोई जगह ना रहे, और जिस किसी को तुम देखो कि वो कहीं झुकना जानता है उसका तुम मजाक उड़ाते हो, कहते हो ये तो भक्त है, हाँ ये तो पिछड़ा हुआ है, ये मॉडर्न नहीं है, ये आधुनिक नहीं है, ये कूल नहीं है। और कूल तुम कितने हो देख लो, अभी जरा सी आफत आ जाती है तो कांपना शुरू कर देते हो, ये कूलनेस है? ये कूलनेस है क्या? कूलनेस का तो मतलब तब है ना जब दिमाग गर्म ना हो। कूल माने कि ठंडा रहना, जब ठंडे रहो। ठंडे कहाँ रह पाते हो? थोड़ी सी आफत आती है, बोर्ड सामने आ गए गर्म हो गए तुम, चोट लग गई गर्म हो गए तुम, कहाँ कूल हो? कूल तो वही हो सकता है जिसके ऊपर उसका साया हो, या जैसे कह लो कि जिसकी दिल में विजडम जगी हुई हो, बस वही ठंडा रह सकता है, ठंडा ठंडा कूल कूल। ऐसे इधर उधर भटकने से, छितराने से और हैप होने का स्वांग करने से थोड़ी कूल हो जाओगे।
ये सब बहुत मूलभूत संस्कार है जिनको सीखो, कूलनेस उनमें है, समझ रहे हो? कूलनेस की परिभाषा क्या है फिर? सब जिसका दिमाग ठंडा रहे, जिसमें डर ना उठे, जिसमें गुस्सा ना उठे, जो गर्म ना हो जाए वो कूल है, जो गर्म ना हो वो कूल है। पर हम तो गर्म हो जाते हैं, अभी रिजल्ट खराब आ जाए, देखा कैसे गर्म हो जाते हो, पूरा घर ही गर्म हो जाता है, तो कूल कहाँ हो तुम? लेकिन घर दिख ऐसा रहा है और दिखाया ऐसा जा रहा है जैसे कितना कूल घर है, मम्मी पापा बेबी बेबा सब कूल हैं, और पापा को इंक्रीमेंट न मिले पापा गर्म हो जाते हैं, मम्मी की ड्रेस फिट नहीं आ रही मम्मी गर्म हो जाती हैं, तो कूलनेस कहाँ है बताओ? कूलनेस का उदाहरण देता हूं, जो सबसे सीधा उदाहरण है, कूलनेस का उदाहरण है प्रहलाद, कि उसको आग पे बैठा दिया तब भी नहीं जला, ये है कूल, कि बाहर कितनी भी गर्मी है वो नहीं जल रहा। प्रहलाद की कहानी पता है ना, उसको क्या किया था, होलिका उसको लेके बैठ गई थी जलती हुई चिता पे, तब भी नहीं जल रहा है। या नचिकेता, कि सामने मौत खड़ी है तब भी वो कह रहा है नहीं साहब डर वर नहीं लग रहा है, हम तो जरा कुछ बातें पूछना चाहते हैं, हमें आप बताइए। मौत से भी घबरा नहीं रहा है, वो मौत से भी ज्ञान पाना चाहता है, न मौत से लड़ रहा है कि वो यमराज से लड़ने बैठ गया, वो तो यमराज से भी कह रहा है कि सिखाइए बताइए। ये कूलनेस है। कूलनेस इसमें नहीं है कि अनशंट बोल रहे हैं और फंकी बिहेवियर दिखा रहे हैं, फंकी होने से कुछ नहीं हो जाता। मार्कंडेय रहो, वो कूल है, मार्क नहीं कूल है। कूलनेस किसमें है? मार्कंडेय में, मार्क में नहीं कूलनेस है। और मार्कंडेय कितने कूल हैं ये जानना है तो उनके शब्द पढ़ो, उनकी कहानियां पढ़ो, फिर पता चलेगा कूलनेस किसको बोलते हैं। शांडिल्य कूल है या सैंडल कूल है? अब तुम शांडिल्य को सैंडी बना देते हो और सैंडल बना देते हो, इसमें कहाँ कूलनेस है? आ रही बात समझ में? इन छोटी बातों का ख्याल रखते हैं। छोटे का काम होता है झुकना और बड़े का काम होता है झुके तो उठाना, दोनों अपना अपना धर्म निभाएं, फिर मजा आता है। यहाँ पेरेंट्स भी हैं तो इसलिए कह रहा हूँ, घरों में पूजा का, प्रार्थना का, भजन कीर्तन का महत्व होता है, और ये किया करिए। ये पिछड़ेपन की निशानी नहीं है। जिस घर में पूजा ना होती हो, जिस घर में कबीर के दोहे ना गाए जाते हों, फिर उस घर में गड़बड़ होना सुनिश्चित है। और जिन बच्चों के कान में बचपन से राम कथा ना पढ़ रही हो, उपनिषद ना पढ़ रहे हों, भजन ना पढ़ रहे हों, वो बच्चे बहुत कमज़ोर निकलेंगे। आजकल तो स्कूलों की टीचरें बताती हैं ना कि घर में भी अंग्रेज़ी में बोलिए। अब जब घर में भी अंग्रेज़ी में बात करनी है तो वहाँ फिर कबीर कहाँ से आएंगे?
पर ये भी समझ लीजिए कि अगर बच्चे की ज़िंदगी में बचपन से ही कबीर नहीं है तो बच्चा आंतरिक रूप से बहुत मरियल निकलेगा, कोई दम नहीं होगा उसमें, ज़िंदगी के आघात नहीं सह पाएगा। आप लोग बाहर बाहर का पोषण तो दे देते हो, कहते हो कि डाइट अच्छी रखेंगे, उसके लिए स्पोर्ट्स का इंतजाम कर देंगे और ये सब कर देंगे, पर असली जो सेहत होती है वो भीतरी होती है, मन का स्वास्थ्य। और मन का स्वास्थ्य तो संतों से ही बनता है। वो स्कूल में लाए नहीं जाते बच्चों के पास, और घरों में भी ये कह के नहीं लाए जाते कि ये सब तो साहब पुरानी बातें हैं, हम इन पे नहीं चलते। फिर घर में कलह रहती है, बच्चे बड़े ही नहीं होने पाते।